दोस्तों, रायल्स ट्यूब और एंडोट्रेकियल ट्यूब में अंतर क्या होता है, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था लैरिंजोस्कोप के ऊपर। उसमें बताया था भाई कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को डालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कई लोगों ने कमेंट किए, बहुत बुरे बुरे कमेंट किए, बहुत गुस्सा भी थे कि भाई तुम्हें गलत जानकारी फैला दी हो, गलत गलत बताते हो, तुम्हें पता नहीं तो मत बताया करो, वीडियो मत बनाया करो, ऐसा ऐसा। कई लोगों को मेरे पास फ़ोन भी आया कि बोले कि भाई ये गलत जानकारी क्यों फैला रहे हो। तो हो सकता है कि कई लोगों की गलत फहमी की वजह से उनको ऐसा लगा कि भाई मैं गलत, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ पूरी रिसर्च करके, पूरी स्टडी करके, ऐसा फोकट वीडियोस अपन नहीं बनाते हैं। सो बेसिकली हम रायल्स ट्यूब और एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में समझेंगे, भाई ये क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है। सो जाहिर सी बात है, जो लैरिंजोस्कोप है उसमें अपन क्या कर रहे थे कि भाई एंडोट्रेकियल ट्यूब को अपन आदमी के फेफड़े में डाल रहे थे, लेकिन लोग बोले कि ये तो एंजी ट्यूब होती है, ये तो रायल्स ट्यूब होता है। तो फ़र्क होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा फ़र्क होता है दोनों के बीच में। एक होती है रायल्स ट्यूब और एक होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब। रायल्स ट्यूब को आप एंजी ट्यूब भी बोल सकते हैं, मतलब कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब बोल सकते हैं। और जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसको ETT भी बोलते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो पहले समझ लेते हैं रायल्स ट्यूब के बारे में कि ये एंजी ट्यूब है क्या। जब कोई व्यक्ति इमरजेंसी कंडीशन में होता है या अनकॉन्शियस होता है, मतलब कि या बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, या वो चल फिर नहीं सकता, होश में नहीं आ रहा है, या बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन बिगड़ चुकी है, ICU में भर्ती है आदमी, खा पी नहीं सकता है, तब रायल्स ट्यूब उसके डाला जाता है। और रायल्स ट्यूब इसलिए डाला जाता है ताकि उसको फीड कराया जा सके। ये फीडिंग ट्यूब भी कहलाता है। इंजेक्शन के माध्यम से कुछ भी लिक्विड डाइट उसके शरीर में डाली जाती है इस रायल्स ट्यूब के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद से खा नहीं सकता है और आदमी को सर्वाइव करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा पेट में। तो रायल्स ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब ये काम करती है फीडिंग का। और जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है भाई, इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई ऑक्सीजन सपोर्ट देने का। जब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता किसी भी कारण से, तो उसको सांस प्रॉपर ले पाए, ऑक्सीजन सपोर्ट लगाना, जनरल एनेस्थीसिया दिया है, सर्जरी हुई है, तो उसको कोमा में है, कोई भी कारण हो सकता है, जब ऑक्सीजन लगाई जाएगी तो उसको क्या होगा, ये ETT डालना पड़ेगी। और ये इससे आदमी को सांस पहुंचाई जाती है, उससे आदमी को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। जो रायल्स ट्यूब है इससे खाना पहुंचा रहा है, इससे हवा पहुंचा रहा है। ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि जो रायल्स ट्यूब होती है ये आपकी नाक में से डाली जाती है, ठीक है ना, नाक के द्वारा डाली जाती है। और जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये आपके मुंह के द्वारा डाली जाती है। इसलिए यहाँ पे लैरिंजोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको ट्रेकिया दिख सके। दोनों की दोनों ट्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबकी साइज़ अलग अलग होती है, कई तरह की होती हैं। इन ट्यूब्स के बारे में मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि रायल्स ट्यूब की डिटेल बताऊंगा आपको मैं, और ETT ट्यूब की आपको जो है पूरी डिटेल बताऊंगा। तो फ़र्क इतना ही है, ये खाना पहुंचाने के लिए है और ये उसको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए है। दोनों में फ़र्क होता है। कई लोगों को दोनों ही साथ में लगाना पड़ती हैं, एक नाक से जाती है, एक मुंह से जाती है। तो ऐसे भी मरीज होते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों ट्यूब्स में अंतर क्या है, ठीक। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इसी तरह की मेडिकल वीडियोज़ देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।